और ये हमारा घर है, चारों बगल दिए दिए हैं, हमने सारी लाइट को ऑफ कर रखा है और थैंक यू कि हर आदमी आज दिया जला रहा है, दिल से थैंक यू। और ये मेरी बिटिया रानी दिया जला रही है। हाय एवरीवन, हाय, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर में दिया जला रहे होंगे। और हमारा घर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वैसे बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ऋषभ गिर जाओगे बेटा, इधर आ, इधर आ, बात करो लोगों से, कहो जे आप भी दिया जलाइए, बोलो अभी भी दिया जलाइए। हाँ, हम लोगों ने जला लिया है। अगर आप दिया थोड़े राम से जलाएंगे तो ज्यादा हवा आएगा और आपको बुझा देगा। हाँ, और कोरोना भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। बोल दो सबको कि आप दिया जलाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। अगर बिहार से लेके जाओगे दिया को तो वो नहीं बुझेगा। हाँ, तो बोलो जो दिया जलाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। हमने तो ज्यादातर दिया और कैंडल्स लगाए हैं। सबको बोलो कि अंकल आप लोग दिया जलाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। अंकल आप दिया जलाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ, तो दिल से प्रणाम है। और आप लोग भी, मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ आप सबके लिए कि आप खुश रहें और ऐसे ही आबाद रहें। हमारी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और जो हम पूरी दुनिया तबाह है, इसके लिए सबको दिल से थैंक यू, सबको प्रणाम कि आप लोग प्रधानमंत्री के आदेश का पालन कर रहे हैं और ये ज़रूरी है हम सबको। ऑल द बेस्ट घर, और हमको ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको मैसेज भी आए थे कि ये 9 प्लैनेट्स का पावर हमको आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी जलाइए और अपने घर को चमकदार बनाइए, और दियो से तो और ब्यूटीफुल बनेगा। हाँ, आप अच्छा देखो, मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ। यस, आप तो पढ़े हो ना। यस, तो आप इंग्लिश में सबको बोलो। ओके, टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर सो मच, वी हैड फायर द कैंडल्स दियाज and my house is looking really beautiful and we are going to get the more powers of 9 planets, so please fire the diyas and candles, it will make your house beautiful aur usse sabka swasth rahega, wo bhi English mein. Yes, you will be healthy, you will get nutrients, you will get power, whatever the weakness you have in your body it will get removed. की, और ये मेरी बिटिया थी और ये अंग्रेजी बोलती है तो मुझे खुशी होती है कि क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं और मेरी शिक्षा उतनी हुई नहीं, बट इसकी अंग्रेजी को सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जो मैंने नहीं किया वो मेरी बिटिया ने किया और कर भी रही है, तो दिल से प्रणाम। और ये रेन को दिखाओ, कूद रहा है, कूद रहा है, ये देखिए, ये मेरे प्यारे से रेन कूद रहा है। बाबू, बाबू, कम ऑन, बाबू। हाँ, तो दिल से प्रणाम। और सबको मैं, आज ऐसा लग रहा है कि दीपावली का माहौल है और कितना खुशहाल लग रहा है पूरी हमारी बिल्डिंगें। एक बार और दिखाना चाहूँगा आप सबको, ये है देखिए, चारों बगल दिया ही दिया दिख रहा है मेरे बंगलों पे। ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को जलाने में, पूरी फैमिली लग गई थी जलाने में क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये लॉन, बड़ा है तो वहाँ जलाना बड़ा कठिन होता है, बाउंड्री बड़ी है मेरी, तो इसलिए ऋषभ मैं भी दिखाऊं पापा, मैं भी। हाँ, एक सेकंड पकड़ो। हाँ, ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अंधेरे में तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा। ओके, सो में बड़ा मजा आ रहा है और घर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि लाइफ में शायद से दिवाली में तो हम लाइट सी जलाते, लेकिन ये पहला नजारा है। आई मीन आई एम फीलिंग वेरी फ्यूलेस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माय हाउस। और मैं सुनो, बताओ कि महत्व क्या है, जलाना सही है, मेरा देश कितना कुशल रहेगा, पूरा वर्ल्ड तबाह है। ओके, हियर इज माय ब्रदर, टेल हाय टू एवरीवन।
I told that we get so much nutrients, powers, and in your arm I had get the message also that it's the most important to fight the diyas and candles, because the Narendra Modi has given a request to, and they had requested also to fire the diyas. So please fire the diyas, candles, and make your house beautiful and get more powers and be fit and healthy. Goodbye. तो लव यू ऑल की आज दिल से प्रणाम सबको जितने भी हैं कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट को आप लोगों ने अपना माना और एक्सेप्ट किया आप सबने, तो दिल से प्रणाम। और ये देखिए घंटी बजा रही हैं, ये हमारी वाइफ हैं क्योंकि घंटी बजा रही हैं, तो घंटी भी बजा रही हैं। ये मेरा बेटा भी घंटी बजा रहा है, दिखाओ सबको घंटी बजा के। ये तो दिल से प्रणाम आप सबको। और आज ऐसा माहौल लग रहा है कि हमारे घर में दीपावली है, और हमारे ही नहीं पूरे देश में, पूरा इंडिया में आज दीपावली का माहौल आ रहा है। और दिल से प्रणाम, थैंक यू, लव यू ऑल। आप लोग इतने ऐसे ही प्यार करते रहिए हमें, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। और मैं शुभकामना करूँगा ईश्वर से, माँ काली से, माँ दुर्गा से, कि आप सब बहुत खुश रहें, कुशल रहें, और आप अपने घर में रहें, क्योंकि हम घर में रह के अपनी दायित्व को पूरा कर सकते हैं। मेरे से जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके अंदर सामग्री पहुँचाने की, और मैं ही नहीं मेरे साथ जितने भी लोग हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो कंपनी मालिक हों, चाहे हमारे भाई हों जो कि हर जगह मेहनत कर रहे हैं लोगों के पास सामग्री पहुँचाने में। तो दिल से प्रणाम। आज रांची में बहुत ज़्यादा सामग्री बांटा गया, बक्सर में आपके सिवान से लेकर रसूलपुर के हमारे एक भाई हैं प्रणव रुपेश दुबे, पौन कश्यप जी से लेकर, मैंने जितने भी लोग हैं सब लोग मैंने एक लग गए हैं, पंकज से लेकर हर आदमी सबको सामग्री पहुंचाने में लग गया है। कोशिश है हमारी कि जब तक ये आपता है तब तक हर आदमी के बीच में कुछ ना कुछ पहुँचाता रहूँ, तो हर जगह पहुँचाने की काम कर रहा हूँ। तो मैं दिल से थैंक यू अपने भाइयों को दे रहा हूँ कि जो लोग ये कर पा रहे हैं, तो दिल से थैंक यू, लव यू ऑल, कि आप लोग कुशल रहें और अपने घर में रह के और स्वयं रक्षा करें और अपने परिवार का रक्षा करें, क्योंकि बाहर निकलना मतलब मौत है, और एक का नहीं पूरे फैमिली का मौत है। अगर आपको हुआ तो पूरी फैमिली को हो सकती है। तो हम घर में रहकर अपने और एक आर्मी होकर एक सोल्जर बन के अपने घर और अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। तो घर में रहिए और कुशल रहिए, हम भी सब कुछ छोड़ के आज घर में हैं। अच्छा लग रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ भी कि आदमी कुशल है और अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम तो कभी दे नहीं पाता है, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि टाइम तो देना ही है, ये मजबूरी है हमारी, लेकिन मजबूरी नहीं, इसको एंजॉय करिए, इसको मजबूरी समझ के ना बट एंजॉय करिए इसको। फैमिली को हम लोग कमाने के चक्कर में टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका भी हक है, तो उसको एंजॉय एक हॉलीडे समझ के और अपने घर में ही बिताइए। और ढेर सारा प्यार आप सबको। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, माँ दुर्गे से प्रार्थना करूँगा कि माँ आप सबको हमेशा कुशल रखे और आपका रक्षा हमेशा करें, और आप स्वयं रक्षा अपना करिए, अपने परिवार को बचाइए। लव यू ऑल, दिल से थैंक यू।